यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे, और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रो टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो टैक्स में चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि आप जानते हैं, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के टॉप प्रायोरिटी पर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस है, और इसी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस के कंटिन्यूएशन में पिछले सप्ताह सेबी ने दो बड़े धमाके किए। इन धमाकों की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, उसके पहले जान लें इन धमाकों के कारण क्या थे। पहला कारण, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बढ़ता हुआ साइज। नवंबर 2012 में इसकी साइज मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 8 लाख करोड़ के आसपास थी, जो बढ़ के दिसंबर 2022 में करीब 40 लाख करोड़ के आसपास हो गई, मतलब 10 साल में 5 गुना। और सामान्य कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 50% का ग्रोथ एवरी ईयर था इसका। पहला कारण यह हो गया। और चूंकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस के टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ गवर्नेंस में और कंट्रोल लाना पड़ेगा। दूसरा कारण वो दो घटनाक्रम जो पिछले 2 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में घटी हैं, उसमें से पहला घटनाक्रम फ्रैंकलिन टेपल्टन के साथ हुआ था, जो 2020 की घटना है, जिसमें फ्रैंकलिन टेपल्टन के कुछ डेट फंड्स वाइंड अप होने थे, और वाइंड अप होने के पहले की ऑफिशियल्स ने अपने यूनिट्स मार्केट्स में ऑफलोड किए हुए थे। और दूसरी घटनाक्रम उसके ठीक 2 साल बाद 2022 में जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ घटी। इस एक्सिस म्यूचुअल फंड में इनके दो फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट दिस वे दैट वे एक्टिविटी में पाई गई, जिनके लिए उनको अपना पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल एस्ट्रो टैक्समैन पे डायरेक्ट टैक्सेशंस, इन्वेस्टमेंट्स, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर्फेसी एक्ट और RDB एक्ट के से संबंधित वीडियो डाली जाती हैं, और इन सारे वीडियो का लिंक उनके प्लेलिस्ट में है। यदि आप इनमें से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कंसर्न प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। पहला धमाका, पिछले सप्ताह सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है जिसमें कई प्रपोजल्स उनके हैं, और उसमें उन प्रपोजल में से एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स है ट्रस्टी के बारे में। ट्रस्टी के प्रपोजल के बारे में बात करने के पहले हम जान लें कि ट्रस्टी एज पर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 96 क्या बोलता है। ये बोलता है, हु होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स। वो जो म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी को यूनिट होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बेनिफिट के लिए होल्ड करता है, वो ट्रस्टी कहलाता है। और उसी लिहाज से उन्होंने कहा कि ट्रस्टी का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हांस करना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जो मार्केट में जो नाजायज फायदा AMC और उसके एम्प्लॉय उठाते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए ट्रस्टी को इस बात पर ही फोकस करना चाहिए कि कोई AMC अपने यूनिट होल्डर्स अपने एसेट बेस बढ़ाने के लिए मिसयूजिंग ना करे। उनको ये भी कहा गया है, प्रपोजल्स हैं, ये सारे प्रपोजल्स हैं कि फीस और एक्सपेंसेस जो चार्ज करते हैं AMC, उसमें फेयरनेस हो, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप फी और एक्सपेंसेस चार्ज करे। उन्होंने ये भी कहा कि कंपैरिजन जो है पीएस के साथ, परफॉर्मेंस कंपैरिजन होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके फी और एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, सो दैट इन्वेस्टर्स ये जान सके कि किस AMCs में, किस स्कीम्स में कितने एक्सपेंसेस हैं, उनके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से उनका रिटर्न किस तरह से है। उन्होंने ये भी कहा कि AMC के स्पॉन्सर जो हैं कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले। उन्होंने ये भी कहा कि देयर मस्ट बी ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डिसेमिनेशन ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट बाय द म्यूचुअल फंड्स। एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां की पब्लिक के लिए म्यूचुअल फंड के रेस्पेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो, वहां पब्लिक जाके देख सके। उन्होंने एक नई चीज और की कि इन्वेस्टर्स या यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन के लिए देयर मस्ट बी ए यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी। एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसका नाम उन्होंने यूनिट होल्डर्स प्रोटेक्शन कमेटी दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्टी अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें थर्ड पार्टी को देनी चाहिए और की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ट्रस्टी को फोकस करना चाहिए। दूसरा धमाका, सेबी ने पेपर में ऐड दिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉरेंसिक ऑडिटर। और ये फॉरेंसिक ऑडिटर जो है, ये ऑडिट करें, फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे म्यूचुअल फंड का, AMC का
और ट्रस्टी का और इनका काम होगा डिजिटल एविडेंस जो कि मोबाइल में होंगे, कंप्यूटर्स में होंगे, टैबलेट्स में होंगे, हार्ड ड्राइव्स में होंगे, यूएसबी ड्राइव्स में होंगे, उसको एक्वायर करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसका एनालिसिस करना, और ये करने के बाद उनको सेबी को रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपनी फाइंडिंग और कंक्लूजन के साथ। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है ये दो बड़े धमाके, ये दो बड़े जो एक्शंस हैं, प्रपोज्ड एक्शंस हैं सेबी के। हालांकि फॉरेंसिक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के तो पेपर में उन्होंने ऐड दे दिया है, सो इट इज़ नॉट प्रपोजल, इट इज डिसाइडेड नाउ। और जो कंसल्टेशन पेपर में की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी के बारे में बातें की हैं, ये दोनों ही धमाके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिहाज से शायद ये मील का पत्थर साबित हों।